हाँ तो दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक के Q4 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 21% से बड़ा है और ये नंबर आया है 342 करोड़ पे। अगर हम वैल्यू टर्म्स पे अगर हम ये बात करेंगे तो ये जो नंबर है ये 61 करोड़ से बड़ा है। तो देखा जाए तो 61 करोड़ से यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो वहाँ पे ये नंबर 169% से बड़ा है और ये नंबर आया है 342 करोड़। तो यानी कि 169% का मतलब क्या होता है, यानी कि मोर देन 1.5 टाइम्स से यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर बैंक का बड़ा है। पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये नंबर अराउंड 150 करोड़ के लगभग था और अभी ये नंबर आया है 342 करोड़ पे। तो देखा जाए तो जो नंबर्स वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पे नजर आते हैं। बाकी अगर हम ग्रॉस एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 0.26% से गिरा है और ये नंबर आया है 3.70% पे। बाकी अगर हम वैल्यू टर्म्स पे अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 13 करोड़ से ग्रॉस एनपीए के नंबर्स बढ़े हैं और उसी की वजह से यहाँ पे प्रोविजनिंग का नंबर इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादा प्रोविजनिंग वहाँ पे बैंक ने इसलिए की है क्योंकि उन्हें वहाँ पे नेट एनपीए का नंबर कम करना था। क्योंकि देखिए अराउंड 0.21% से यहाँ पे नेट एनपीए का नंबर बैंक का कम हुआ है और वो नंबर आया है 1.53% पे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1.74% पे था। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूव हुई है और अगर आप देखोगे तो जो प्रोविजनिंग का नंबर अगर हम वैल्यू टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 22 करोड़ से कम हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर है वो यहाँ पे 61 करोड़ से बड़े हैं। ये यहाँ पे ये जो नंबर से ये प्रोविजनिंग की वजह से यहाँ पे नहीं बढ़े हैं, जो नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे बैंक की बढ़ी है तो उसकी वजह से ये नंबर इंप्रूव हुआ है। और पिछले क्वार्टर में 6% से नीचे का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का था, लेकिन अगर हम अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर हमें 6.27% पे यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि तो पूरी इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे पूरी जो प्राइवेट इंडस्ट्री हो या पब्लिक बैंक की इंडस्ट्री हो, पूरी इंडस्ट्री के अंदर इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो किसी का भी नहीं है। अगर हम HDFC बैंक, ICICI बैंक जो बड़े बैंक, अगर हम रिटेल लेंडिंग के लीडर कोटक महिंद्रा बैंक की भी अगर हम बात करेंगे तो वहां पे भी हाईएस्ट टू हाईएस्ट 5% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अभी इनके जो कॉस्ट ऑफ फंड थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, यानी कि जिस पे ये डिपॉजिट को रेज कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी धीरे धीरे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो आने वाले टाइम पे ये जो 6.27% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ये अराउंड 7% तक भी जा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो बैंक है अभी मार्केट ने काफ़ी नेगेटिव वे में लिया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स बैंक में चल रही है, लेकिन देखिए पिछले 2 क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे उनके प्रॉफिट अगर हम मिला के अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 620 करोड़ का नेट प्रॉफिट बैंक का होता है। तो अगर आने वाले 2 क्वार्टर्स में अगर हम ये सेम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो लगभग 1200 से 1250 करोड़ का नेट प्रॉफिट बैंक का हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अभी 24,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये बैंक ट्रेड कर रहा है और अराउंड 20 के P/R पे ये बैंक अभी ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो मार्जिन इस बैंक के अभी हमें नजर आते हैं जिस तरीके से रिटेल लेंडिंग बुक यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अगर एक कंसिस्टेंट अगर 10 से 12% की क्वार्टरली ग्रोथ अगर यहाँ पे देखने को मिलती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट इस बैंक को 30 का P/R दे सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैंकिंग स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो नंबर वो यहाँ पे काफी अच्छे हैं। हाँ, आप इसको यस बैंक से कंपेयर मत कीजिएगा कि यस बैंक का प्रॉफिट इससे ज्यादा है तो हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए वहां पर अभी भी एसेट क्वालिटी का जो नंबर है वो काफी ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक हमें ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है, क्योंकि यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक की जो लोन बुक है ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सेम है, लेकिन वहां पे अगर आप देखोगे 2.5% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है लेकिन यहाँ पे 6% के लगभग का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे वहां पे जो ग्रॉस एनपीए के नंबर है वो अराउंड 27,000 करोड़ के हैं। अब अगर हम यहां पे ग्रॉस एनपीए के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर हार्डली 4,500 करोड़ पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहां पे एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है यस बैंक के कंपैरिजन में और लोन बुक ऑलमोस्ट सेम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे IDFC फर्स्ट बैंक ज्यादा अच्छा नजर आता है।
दोस्तों मैं होप करता हूँ कि IDFC फर्स्ट बैंक के क्वार्टर फोर के जो नंबर्स हैं उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।